हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीरीज टॉक्स। दोस्तों, फाइनली वेनम लेट देयर बी कार्नेज या फिर वेनम 2 जिसे हम सब अभी जान रहे हैं, जिसके लिए इतने टाइम से एक्साइटेड थे, वो फिल्म फाइनली रिलीज हो चुकी है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, उस फिल्म को मैंने देख लिया है, फिल्म की कैसी स्टोरी रहने वाली है, क्या ये पहले वाले पार्ट से ज्यादा शानदार है, इसमें और भी क्या चीजें आपको नजर आने वाली है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा। लेकिन हाँ, आपके लिए मैं इस वीडियो के अंदर कोई भी स्पॉयलर्स नहीं देने वाला, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, इस फिल्म की स्टोरी के बारे में बात करें तो फिल्म की स्टोरी वही मेन कैरेक्टर के ऊपर रिवॉल्व करने वाली है, जिसके हम सब बहुत बड़े फैन हैं। और दोस्तों, फिल्म की स्टोरी के बारे में आपको बिल्कुल ना तो ओवरव्यू देने वाला हूँ, ना तो कोई स्पॉयलर्स देने वाला हूँ, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था। बस आपको स्टोरी के बारे में कहूंगा कि स्टोरी पहले वाले पार्ट से बहुत ही ज्यादा शानदार लगी है मुझे, और इसे देखकर काफी ज्यादा एंटरटेनमेंट मिलने वाला है आपको। स्टोरी के मामले में मैं इस फिल्म को 9/10 रेट करने वाला हूं। अब दोस्तों, बात करें एक्शन के बारे में, तो दोस्तों एक सीन आएगी फिल्म में जहां पर वो जो विलन रहता है एक पुलिस वाले के अंदर अपना जबड़ा डाल देता है, वो सीन को देखकर लिटरली गूज़बम्स आ जाएगी। अगर आपको भी आएगी तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। तो दोस्तों, एक्शन के बारे में हम बात कर रहे थे, तो इस फिल्म के अंदर काफी ज्यादा एक्शन नजर आने वाला है। तो दोस्तों, पहले पार्ट के मुकाबले इस पार्ट में कुछ ज्यादा ही आपको इंटेंस एक्शन भी दिखने वाली है, और दोस्तों इस बार विलन काफी ज्यादा पावरफुल भी है, तो और ज्यादा मजा आएगा आपको इस फिल्म को देखकर। दूसरी चीज, एक छोटी सी चीज जो मुझे कमी नजर आई वो ये थी कि फिल्म में आपको एक्शन जो दिखाया गया है थोड़ा कम दिखाया गया है जितना ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसमें जो इसके डायलॉग्स और स्क्रिप्ट और बाकी की स्टोरी जिस तरीके से कंटिन्यू होती है, वो वाली चीज़ें ज़्यादा दिखाई गई है, इसी की वजह से आपको थोड़ा सा एक्शन कम देखने को मिलेगा हर हर मिनट में। और दोस्तों, तीसरी चीज़ जो मुझे थोड़ी सी कमी नजर आई वो ये थी कि इस फिल्म के अंदर कॉमेडी एस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी फनी डायलॉग्स भी आपको नजर आने वाले, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन हम इस फिल्म को में से हम एक्शन ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो इसमें इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा कॉमेडी होने की वजह से ये एक छोटी सी ड्रॉबैक लगी इस फिल्म के अंदर। बाकी इस फिल्म के अंदर जो भी डायलॉग्स और स्क्रिप्ट वगैरह है काफ़ी ज़्यादा शानदार है, इसको आपको देखकर बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले आप। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि फिल्म बहुत ही ज़्यादा शानदार है, इसको फटाफट से जाकर देख लेना। तो बस यही थी कुछ बहुत ही अच्छी और बुरी चीज़ें इस फिल्म के बारे में जो मैंने आपको बता दिया। और आपको कंक्लूड करते हुए यही कहूँगा कि इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखना, बहुत ही ज़्यादा शानदार फिल्म है, और मैं आपको यही बोलूँगा कि इस फिल्म को बिल्कुल भी मिस मत करना। वीडियो अच्छा लगा तो